40 अपराध को इस मकसद से भर्ती कर रखा है। वॉशिंगटन न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में एन एस जगह फ्रीडम टावर से मासूम गोविंद वाला इमारत तामीर की जा रही है, जहां साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स मौजूद थे। फ्रीडम टावर न्यूयॉर्क शहर की बुलंद तरीन इमारत होगी। तफसीलात लाइव इन अमेरिका में मैं हूं आसिम नसीर। मजदूर अब तक 381 मीटर ऊंचा फ्रीडम टावर खड़ा कर चुके हैं। ये फ्लैग पोस्ट टावर उस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से थोड़ा सा बुलंद हो चुका है जो ट्विन टावर्स के खानदान के बाद न्यूयॉर्क की सबसे बुलंद इमारत का दर्जा रखती थी। किम्बरली ने पूरी उम्र न्यूयॉर्क में गुजारी है। वो कह रही है कि ये रिकॉर्ड एक खास अहमियत का हामिल है। ये बहुत हैरत अंगेज चीज है जो देखने से दायर करती है, खासतौर पर जो कुछ यहाँ हुआ, जिस तरह दफ्तर मुंतवल हुए और जो अमल जारी रहा और जितना वक्त उस पर लगा, इन सब अहवालों से ये बहुत आशंक है। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले ट्विन टावर्स का मलबा हटाए जाने के बाद ये जगह खाली ग्राउंड की सूरत पड़ी रही। हुकाम और प्राइवेट डेवलपर्स तामीराती मंसूबों पर बहस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो किसी मंसूबे पर मुतफिक हुए तो 104 मनाजिर पर मुश्तमिल फ्रीडम टावर हर हफ्ते एक मंजिल की तकमील जैसी रफ्तार के साथ तामीर के मराहल में है। हम एक वारसा पोलन से ताल्लुक रखने वाले एक वकील हैं। वो कहते हैं कि इब्तदाई ताखीर जो हुई वो कुछ ज्यादा नहीं थी। आपको मालूम है कि अभी सिर्फ 11 साल ही हुई है और आपको एक मलबे से दोबारा एक इमारत को तामीर करना था। एक बार फिर ये इमारत अमरीका की ताकत को जाहिर कर रही है। ट्विन टावर्स के नादान के बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को एक बार फिर शहर की बुलंद तरीन इमारत का दर्जा हासिल हो गया था। 1931 में तामीर होने वाली ये इमारत 40 साल तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनी थी। जॉर्जिया एटलांटा के एक कार डीलर ब्रेड हैंसन कहते हैं कि उन्हें बुलंद बाला इमारतों वाले न्यूयॉर्क के दो शहरों डाउन टाउन और मिड टाउन के दरमियान में साफ बहुत अच्छी लगती है। वो कह रहे हैं कि डाउन टाउन का फिर से बुलंद तरीन इमारत का हामिल होना अच्छा लगता है। जब ट्विन टावर्स जमीन बोस हुए थे, मिड टाउन और डाउन टाउन की हालत ही बदल गई थी। तो मैं जो पोलिंग साहब जो एक बताते हैं, कहते हैं कि उन्हें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से हमदर्दी भी हो रही है। उर्दू भी हुई वॉशिंगटन वॉशिंगटन से मीडियम वेव 1739 के नतीजे में वजूद में आने वाली कोई ऐसी मुनफरद ईजाद जिसे बाद में तस्लीम कर लिया गया हो और कानूनी तहफ़ फराहम किया गया हो। इसमें तिब से लेकर टेक्नोलॉजी, अदब, मौसीकी, फनून लतीफा और फैशन तक हर शोबे और हर सिंफ में ईजादात और इख्तिराब शामिल। इसके साथ साथ इनमें कारोबारी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले इलाके लोगोज और डिजाइन भी शामिल हैं। दुनिया के बेशतर मुल्कों की तरह अमरीका में इलाके दानिश को कॉपीराइट और पैटर्न के कवानीन के जरिए तहफ़ फराहम किया जाता है। इन कवानीन के तहत एक मखसूस मुद्दत के लिए दूसरे लोगों को किसी ऐसे डिजाइन की नकल बनाने और उससे मुनाफा कमाने की ममानियत होती है जिसकी सुविधा महफूज कर दी जाती है। सुविधा के दानिश को कानूनी तहफ़ देने का मकसद यह है कि ईजाद और इख्तिरा की हौसला अफजाई हो, तय ख्याल की दखल हो, टेक्नोलॉजी की मौजूदा अशकाल को बनाया जाए, इसके नतीजे में सरमाकारी के लिए साफ होती है, उससे तमाम शहरियों के लिए रोजगार के वो आने और लोगों की खिलाफ होती है।
से बोलते हैं टीचर्स के लिए की तरबियती इसी तरह मैक्सिको का निकाज कानून से मुतालिक अमला ये मुताला करेगा कि सौपे के ऑनलाइन केसों में पैसे की तरसील और डिजिटल सबूत का कैसे लगाया जाए। जैसे कि अमरीकी बहस दियात की डिप्टी सेक्रेटरी रिबेका ब्लैंक ने हाल ही में कहा है कि इब्ला के दानिश की इबादत के मजबूत इंतजाम से हमारे कारोबारी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो किसी और नए शानदार ख्याल पर काम करें जो हमारी मजमूई खुशहाली के लिए इंतहाई अहम। अभी आपने इरानी सुना जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्याल की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए एडिटोरियल वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी 20237 यूएसए। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम दाता